सो हेलो एंड वेलकम गाइज़ आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गैंगस्टर विगस सिटी लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैंने एलियंस की हेल्प की थी गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर लेकिन एलियंस जो हैं वो रियल हराम खोर निकले और उन्होंने हमारी हेल्प का हमें ये सिला दिया कि उन्होंने हमें गवर्नमेंट के सामने ये प्रूव कर दिया कि इन लोगों ने हमारी क्लियर क्लियर हेल्प की है और यही है देशद्रोही तो गाय इतना बड़ा धोखा होने के बाद मैं चुप तो बैठने वाला हूँ नहीं एलियंस की ऐसी की तैसी तो मैं कर ही दूंगा उसके लिए मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें पैक मैंने सारे के सारे इक्विपमेंट पैक कर लिए और मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर एलियन से लड़ने वाला हूँ प्रगैज़ आपने अगर मेरा साथ स्टार्टिंग से दिया है इस चैनल पर तो आप लोगों को पता होगा कि इस लाइक सिटी में मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ सबसे बड़े विलन फ्रैंक को आ चुका हूँ बहुत सारी अनगिनत कारें चोरी करके बेच चुका हूँ बहुत गोलियाँ चलाई हैं बहुत पेडिस्ट्रियन मारे अब ये सिटी है ना मेरे मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ठीक है अब मुझे सिटी से आओ लाइक बाहर निकलना है और मैंने एक सिटी अपने लिए ढूँढ रही है जिसका नाम है सैन सैन्रियाज सैन सिटी है कैलिफोर्निया के अंदर और वहाँ पर मैं अपने दोस्त के साथ शिफ्ट होने वाला हूँ तो अगर अब तक की वीडियोज़ आपको सारी पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जितना प्यार आप लोग देते हो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए बट अभी बहुत कम है तो अब मैं मिल गया हूँ गवर्नमेंट के साथ मैंने सारे इक्विपमेंट्स पैक कर लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ एलियन से लड़ने के लिए और इसके बाद जो हमारा नया सफ़र हुआ उसमें भी आप लोगों का साथ ज़रूरी होगा जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं दो दिन बाद से सेंटिया सिटी से में मूव करने के बाद तो ऐसे ही मैं गवर्नमेंट ऑफिशल से जाके बात करता हूँ कि देखो ये प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की थी इसको ठीक भी नहीं करके दूंगा आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है ये मुझे अंदर जाने दो और मुझे उनसे लड़ने दो वो लड़की सामने से अप्रिशिएट करती है कि यार देखो तुमने प्रॉब्लम क्रिएट की और तुम ठीक भी करने आए हो तो आई अप्रिशिएट कि तुम एक भागने वालों में से नहीं हो तो तुम ठीक भी कर सकते हो तो जाओ मैं तुम्हें पूरा मौका देती हूँ जाओ और लड़ो उनसे बेस्ट ऑफ लक और इस सिटी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है अगर एलियन्स को तुमने हरा दिया तो बहुत सही हो जाएगा तुम तो तुम्हारे तो ऊपर लगे हुए सारे के सारे जो इल्ज़ाम है वो सारे के सारे हटा देंगे उन लोग और तुम बात यहाँ से निकल पाओगे तो मैंने इनसे डील कर ली कि मेरे ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ाम ये लोग निकाल देंगे और मैं सैलेंड्राज़ मूव कर जाऊँगा और अब हम चल पड़े हैं एलियंस की तरफ तो इनका जो शिप है मुझे बेसिकली क्या करना है इसकी शिप की पावर कम करनी है और जितने भी रिसपॉन्ड हो रहे हैं एलियंस इनके पास अनलिमिटेड एलियंस है अभी अभी, अभी, अभी की डेट में और इस शिप से ये और भी एलियंस का क्लोन बना सकते हैं तो मुझे क्या करना है बस इस यहाँ से जो रिस्पॉन्ड हो रहे हैं मुझे इन पिलर्स को तोड़ना होगा गोलियाँ चलाने तो बहुत हौली हॉली वो हो रहा है हम मिसाइल से देखता हूँ हम मिसाइल से बहुत जल्दी उसके पिलर टूट रहे हैं और जैसे ही पिलर टूटा हो नीचे भी ब्लास्ट हुआ सारे एलियन्स मर गए तो मैं काम करता हूँ इनको छोड़ देता हूँ और सीधा पिलर पे अटैक करता हूँ बस और भाई पाँच छ सात आठ मिसाइल में पूरा पिलर ख़त्म और भाई नीचे बचा हुआ एक एलियन बचा हुआ है पर यानी जो लाइट आई ये क्या है ये ऐसे लगा जिससे किसी ने अटैक किया है मेरे पे ओ शिट कैज़ मैं फंस गया वो एलियंस के अटैक में और अब मुझे दोबारा से लाइक पूरा का पूरा मिशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज लाइक like, इनका अटैक समझ नहीं पाया मैं तो बस मैं दोबारा से रिफ़िल करके सारी चीज़ें अब निकलता हूँ फिर से इसी मिशन पर आप लोगों का साथ बना रहेगा तो ज़रूर हम इसको कम्प्लीट कर पाएंगे प्लीज़ इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो और वीडियो कर देना लाइक हमने मिशन दोबारा स्टार्ट कर दिया है और उसी पॉइंट से दोबारा हम लोग स्टार्ट करेंगे सारी बातचीत हमने कर दी है स्किप बिकॉज पहले हम एक बार कर चुके हैं और इनकी रीस्पॉनिंग को ख़त्म करने के बाद मैं सीधा सोच रहा हूँ इसके पिलर तोड़ने पर फोकस करता हूँ और इस पर जिन्होंने जो अटैक किया था मुझ पर ये याद रखना आप भी अगर ये मिशन कम्प्लीट करोगे ना जब वो अटैक करते हैं तो हमें शायद उस गोल घेरे से जो उन्होंने गोल घेरा मेरे पे बनाया था जिस पर वो अटैक करने वाले थे हम बस उस घेरे से बाहर निकलना है उनके अटैक से पहले तो बस इसी तरीके से हम प्रोसेस करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे और जो उनका ऊपर जो पिलर है उसको तोड़ना है हमें फोर्स उसकी काफ़ी कम है और जैसे वो ब्लास्ट हुआ नीचे उसके सारे के सारे एलियन चले गए हैं बाहर हमारी रेंज से और आई थिंक दो मिसाइल और और ये पिलर हो जाएगा तब और दो पिलर टूटने के बाद ही वो हम पर अटैक करते हैं वो शिट मैंने उन पर लाइक मिसाइल तो मार दी पर उनको कुछ नहीं हुआ बस मुझे इस घेरे गे, इस घेरे से बाहर निकलना है यस जैसे हम लोग इस घेरे से बाहर निकले ना उनका अटैक हुआ है ज़मीन पर और मैं बच गया हूँ इसी तरीके न, इस से हमें क्या करना है इस घेरे से बाहर निकलना है और इस एडियन शिप पे अटैक करते रहना है बिकॉज इसी शिप से ये लोग रिस्पॉन्ड हो रहे हैं बार बार आई थिंक ये जो लोकेशन है यहाँ पर मुझे एक फ्यूज़ कंडक्टर ऐड करना है वही फ्यूज़ कंडक्टर जो तिरंगा मूवी में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने किया था वो जो येलो मार्क दिखा रहा है मुझे वहाँ पर जाकर फ्यूज़ कंडक्टर ऐड करना है जिससे कि जो जहाँ की गवर्नमेंट है वो अटैक कर पाएगी इस शिप पर उनको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख नहीं रही है बिकॉज ये शिप जो है एलियंस का और बहुत टेक्नोलॉजी वाइज हाईटेक है तो मुझे उस येलो एरिया पर जाकर इनको करना है लाइक like टेक्नोलॉजी करनी है इन फ्यूज़ इसको फ्यूज़ कंडक्टर बोलते हैं हम लोग सिर्फ फोर्टी मीटर्स पर वो दिखा रहा है अब मुझे समझ में आ गया है कि वो उसी लोकेशन पर जाकर कुछ होगा तो लोकेशन पे ऐड लाइक आने के बाद मैं कर रहा हूँ उस फ्यूज़ uh, कंडक्टर को ऐड हाफ़ सिग्नल चल चुका है बट मुझे इस गोल घेरे से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि तो एक बार अगर इन्होंने अटैक किया मींस मैं बाहर फिर मेरे बचने के चांसेस हो जाएंगे ज़ीरो और यहाँ पर सिग्नल हो गया है ऑलमोस्ट सेटअप और सिग्नल सेटअप करके मैं निकल गया हूँ बाहर ये आ गई है गवर्नमेंट की मिसाइल्स और इन्होंने कर दिया है एलियन शिप पर अटैक बट एलियन शिप इतना पावरफुल है कि एक बार के मिसाइल अटैक को वो झेल चुका है अब इनके जितने भी रिस्पॉन्ड एलियंस हैं इन सबको मारकर हमें फिर से जाना होगा उसी जगह पर और फिर से एक फ्यूज़ कंडक्टर इन्फ्यूज़ करना होगा फ्यूज़ कंडक्टर ऐड होते ही फिर से गवर्नमेंट आएगी और फिर से लाइक गवर्नमेंट के जो ऑफिशल है वो उस पर अटैक करेंगे इस बार के अटैक में आई फील ये हो जाना चाहिए नहीं इन्होंने शिप ही दूसरा भेज दिया यार मुझे इसके सारे के सारे पिलर तोड़ने पड़ेंगे फिर से और भाई मेरे पास मिसाइलें नहीं बची हुई हैं अब और ना लाइक इन मिडल वो रिफिल हो अभी भाई ये तो गलत है यार मैंने तो गवर्नमेंट का अटैक भी करा दिया फ़ाइनली एक पिलर टूट गया है और दूसरे पिलर के नीचे खड़े हैं बहुत सारे एलियंस इनको छोड़कर मैं सीधा पिलर पर अटैक करता हूँ यार क्योंकि पिलर ही मेन है और मेरी जो पूरी पावर है मेरी सारी की सारी लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट खत्म हो गई है एक बुलेट प्रूफ जैकेट बची और है और ग्यारह हेल्थ किट बुलेट प्रूफ जैकेट ख़त्म नहीं हेल्थ किट थड़ा थर्ड धड़ यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और भाई नीचे एलियंस खड़े हुए हैं शॉर्ट गन इन पर काम नहीं कर रही है ठीक से मुझे बस फटाफट फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा फोर्स फील्ड बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और आपको पता ही है कि लासन जैसे कि मैं फर्स्ट अटैक में ही मर गया था वो फोर्स फील्ड ख़त्म होने के बाद ही अटैक ये लोग कर सकते हैं तो जस्ट वो फोर्स फील्ड हो गई है ख़त्म और इन्होंने कर दिया मुझ पर अटैक शुरू इस अटैक से बचने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सर्कल से बाहर और अब बीच में बिल्कुल शिप के बीचों बीच एक और सर्कल स्टार्ट हो जाता है ब्लू कलर का मुझे उस सर्कल में जाकर पुलिस को इंडिकेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इंडिकेट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर अगर अटैक करते हैं तो इस शिप को सबसे ज़्यादा लाइक डैमेज आप दे सकते हैं एलियंस मुझ पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं और इनका जो लेज़र बीम अटैक है वो भी कंटिन्यूसली चालू है बीकॉन सिग्नल जो है मैंने पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया है और इस सिग्नल के बाद जहाँ तक मुझे पता है गवर्नमेंट इस शिप को ख़त्म कर देगी फिर से इस पर अटैक होने वाला है गवर्नमेंट ऑफिशल ने सबसे लड़ाकू विमान इस पर लगाए थे और जी हाँ ये स्पेसशिप हो गया है ख़त्म फ़ाइनली मैं उस आ, डेलेमा से बाहर आ पाया हूँ कि यार मैंने इतना गलत काम कैसे किया मैंने एलियन का साथ देखे गवर्नमेंट के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया और फिर वो एलियन भी धोखेबाज निकले तो फ़ाइनली मैंने अपना बदला ले लिया है इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी सारी चीज़ें फ़ोन करके बता दी है कि भाई सब कुछ डन है अब मैं इस सिटी से बाहर निकलने के लिए पूरा रेडी हूँ इसी रोड से होते हुए मैं इस सिटी से बाहर निकल जाऊँगा तो आपको पता है एक माइंड कंट्रोलिंग मशीन थी एलियंस के पास जो कि गवर्नमेंट के ने भी ले ली थी उनसे फाइनली उस मशीन का असर अब ख़त्म हो गया है जितने भी लोग बिल्कुल परेशान के पागलों के गील लाइक जुबे के पीछे लगे हुए थे गंदी लतों में लगे हुए थे वो सब लोग ठीक हो गए हैं अब फाइनली मैं भी हंसी खुशी यहाँ से निकल पाऊँगा बिकॉज़ मैंने इस सिटी का कुछ तो अच्छा किया है पर इन लोगों को इतनी गंदी लत लग चुकी है कि ये फिर से खेलने लग जाते हैं अब इनके ऊपर डिपेंड है कि ये लाइक खेलना चाहते हैं या फिर रुकना चाहते हैं मैंने अपना काम कर दिया है पर जब मैं और ई मैन फिर से उन सितारों की तरफ देखते हैं कि क्या ये लास्ट शिप था जो पृथ्वी पर आया था क्या ऐसे ही बहुत सारे न सिर्फ बहुत सारे ऐसे ही अनगिनत शिप ऊपर आसमान में अवेलेबल होंगे जो कभी भी पृथ्वी पर आ सकते हैं अब यार हर एक शिप से लड़ने का और पृथ्वी को बचाने का ठीका तो मैंने नहीं ले रखा है तो मैं इस जर्नी को करता हूँ यहीं पर एंड ये था हमारा लास्ट मिशन लाइक गैंगस्टर वेगस सिटी का इसके बाद मैं मूव कर जाऊँगा अपने फ्रेंड के साथ आ, एक नई सिटी सैन एंड में जो कि कैलिफोर्निया में लाइक अवेलेबल है मुझे उसके लिए चाहिए होगा एक ट्रक बिकॉज मैं सारा सामान लाद कर ट्रक में सैन एंड चला जाऊँगा और मुझे दो दिन लगेंगे सैन एंड रियाज में ये नहीं तो दूसरा ट्रक ले लेते हैं और इस ट्रक के साथ मैं जा रहा हूँ सैन एंड रियाज आप सबसे मिलता हूँ उसी सिटी में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार बहुत ज़रूरत है मुझे चलिए बाय बाय